जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, जीएलसी परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आदित्य सिंह। हम आज डिस्कस करने वाले हैं रिमेनिंग पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश का। जो हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे उसी का रिमेनिंग पोर्शन जो हमारा मध्य प्रदेश का बचा था वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, हमारे सारे पीडीएफ क्लासेस के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए आप, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। जहाँ तक हमने देख लिया था उसके बाद में हमारे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश में हम आगे देखते हैं कि हमने देखा था कि हमारा मध्य प्रदेश बन गया था कब। हमारे मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन कब हो गया था? 1 नवंबर 1956 को। और उसी के बाद हमारे मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या बनाई गई दोस्तों? वो थी हमारी भोपाल। क्या बनाई गई? भोपाल। तो कब बनाई गई हमारी कैपिटल? 1956 में। जिस टाइम भोपाल को कैपिटल बनाया गया उस टाइम भोपाल क्या था? एक डिस्ट्रिक्ट ना होते हुए एक तहसील था। क्या था दोस्तों? तहसील था। एक किसकी तहसील था? सीहोर डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील था, जो जाकर लास्ट में कब डिस्ट्रिक्ट बना? 1972 में जाके ये क्या बना? डिस्ट्रिक्ट बना। ओके दोस्तों, तो ये था कि भोपाल हमारे मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या बनाई गई? भोपाल। कब बनाई गई? 1956 में। पहले ये क्या था? तहसील था। और डिस्ट्रिक्ट कब बना जाके? 1972 में बना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। मध्य प्रदेश के हम नक्शे को देखें अगर, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के नक्शे की, तो हमारा जो मध्य प्रदेश का जो हमारे जो मध्य प्रदेश की ईस्ट टू वेस्ट, क्या दोस्तों? ईस्ट टू वेस्ट जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? 870 किलोमीटर। और यही हम बात करते हैं नॉर्थ टू साउथ बात करते हैं दोस्तों, तो कितनी है? 605 किलोमीटर। इसी के साथ हम यही देखते हैं दोस्तों, जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे मध्य प्रदेश का वो कौन सा है? मुरैना। कौन सा है दोस्तों नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमारे मध्य प्रदेश का? क्या है? मुरैना। अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो कौन सा है दोस्तों? क्या है? बुरहानपुर। इसी के साथ हम बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मध्य प्रदेश की, तो कौन सा है? क्या है? सिंगरौली। सिंगरौली को ही क्या बोला जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। क्या बोला जाता है? एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। ऐसे ही हम बात करते हैं वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की, तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है हमारे मध्य प्रदेश का? अलीराजपुर। क्या है दोस्तों? अलीराजपुर। ठीक है, ये चीज समझ में आई। यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी क्या रहती है? बहुत ज्यादा सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है या फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। हमने बात करी थी हमारे मध्य प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का डिवाइडेशन, तो हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीट है वो कितनी है? 29। और राज्यसभा की सीट कितनी है? 11। कितनी है? 11। इन 29 सीट में कितनी सीट एससी और एसटी के लिए रिजर्व है? तो दोस्तों एससी के लिए जो सीट रिजर्व है वो है टोटल 4 सीट, और एसटी के लिए जो सीट रिजर्व है वो दोस्तों कितनी है? 6 सीट। हम बात करते हैं एससी की, कब किसकी बात करते हैं? एससी की, कि कौन कौन से जिले हैं जहां पर हमारी एससी की सीट क्या है? रिजर्व है। तो दोस्तों पहली है हमारी भिंड,
दूसरी है टिकमगढ़, तीसरी अगर हम बात करें तो क्या है देवास, और चौथी सीट की अगर बात करें तो क्या है उज्जैन। ठीक है दोस्तों, ये चार सीट हमारे यहां किसके लिए रिजर्व है, एससी के लिए रिजर्व है। किसके लिए रिजर्व है दोस्तों, एससी के लिए। वहीं हम बात करते हैं एसटी की, किसकी बात करते हैं एसटी की। तो एसटी की जो सबसे पहली सीट रिजर्व है वो कौन सी है, मंडला। दूसरी सीट की बात करें हम बैतूल। तीसरी सीट की बात करें क्या है शहडोल। मंडला, बैतूल, शहडोल, उसके बाद हम बात करते हैं धार, फिर बात करते हैं हम किसकी खरगोन, किसकी धार खरगोन, और फिर रतलाम। ठीक है दोस्तों, तो ये सीट हमारे यहाँ किसके लिए रिजर्व है, मंडला, बैतूल, शहडोल, धार, खरगोन, रतलाम, ये किसके लिए रिजर्व है एसटी के लिए। और अगर हम एससी की बात करें चार सीटों की, तो भिंड, टिकमगढ़, देवास, उज्जैन, ये किसके लिए रिजर्व है हमारे एससी कैटेगरी की। ये कहाँ का बात कर ली हमने, लोकसभा की। और राज्यसभा में हमारी टोटल कितनी सीट है, तो 11 सीट है जो हमारे मध्य प्रदेश से राज्यसभा में रिप्रेजेंट करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। सभी को पता है कि हमारे मध्य प्रदेश में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट एंड 10 डिवीजन है, जो कि हम आगे जाके धीरे धीरे क्लासेस में पढ़ेंगे कि कौन कौन से 10 डिवीजन है और 52 डिस्ट्रिक्ट है। इन 52 डिस्ट्रिक्ट में जो हमारी लेटेस्ट की डिस्ट्रिक्ट बनी है वो कौन सी है दोस्तों, निवाड़ी। कब बनी, 1 अक्टूबर 2018 को। कब बनी, 1 अक्टूबर 2018 को जाके क्या बनी, निवाड़ी। और किससे अलग हुई थी ये, किससे अलग हुई है, टीकमगढ़। किससे अलग होके बनी है निवाड़ी, टीकमगढ़ से अलग होके क्या बना है निवाड़ी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, हमने देख लिया कि लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन क्या था, राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन क्या था, कितनी कितनी सीट थी, कितने कितने डिवीजन थे। अब हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में टोटल नगर निगम कितनी है। लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे मध्य प्रदेश में टोटल नगर निगम कितनी है, तो 16 नगर निगम है हमारे मध्य प्रदेश में। कितनी दोस्तों, 16 नगर निगम है कहाँ पर, हमारे मध्य प्रदेश में। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर में टोटल पुलिस डिस्ट्रिक्ट कितनी है। टोटल पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 52 जिले होंगे, तो पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी कितनी होगी, 52 होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने किसकी बात करी, हमारे एक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर की बात करी है। अब हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है हमारे मध्य प्रदेश में, जिसको हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी बोल सकते हैं या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जैसे सबसे पहली पोस्ट किसकी, गवर्नर की। किसकी, तो हमारे मध्य प्रदेश के जो फिलहाल गवर्नर है वो कौन है, कौन है दोस्तों, मंगू भाई छगनलाल पटेल। कौन है दोस्तों, मंगू भाई छगनलाल पटेल। इसी के साथ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के सीएम की, तो कौन है दोस्तों मध्य प्रदेश के सीएम, सभी जानते होंगे, श्रीमान शिवराज सिंह चौहान। कौन है दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान। इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम क्या बोलते हैं, विधान सभा। क्या बोलते हैं दोस्तों, विधानसभा। तो इस विधानसभा के जो स्पीकर हैं, स्पीकर जिसका नाम है गिरीश जी
गौतम। कौन है ये? गिरीश जी गौतम। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? रीवा में। अब रीवा में भी इनकी पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें अगर हम, तो कौन सी है इनकी? देवतला। कौन सी है दोस्तों? देव तलाव। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हुई हमारी गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट की। अब हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि हमारे मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है? कहां पर है दोस्तों? जबलपुर। और इस जबलपुर हाई कोर्ट की दो ब्रांच है जो कहां कहां पर है। पहली ब्रांच है इंदौर में और दूसरी ब्रांच ग्वालियर में। ठीक है दोस्तों, तो इस जबलपुर मेन हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कौन है हमारे? रवि कुमार मलिमत। ठीक है दोस्तों, कौन है? रवि कुमार मलिमत। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हो गए, सभी चीज़ों की। तो लगभग ये थी हमारे मध्य प्रदेश की बची हुई इन्फॉर्मेशन। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के हमने परसों के लेक्चर में देखते देखते हम रह गए थे, तो मध्य प्रदेश की जो स्टेट क्रॉप है, किसकी बात कर रहे हैं हम? स्टेट क्रॉप की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी है? सोया बीन। कौन सी है दोस्तों? सोया बीन। इसी के साथ हमारे मध्य प्रदेश के जनरल इंट्रोडक्शन की इन्फॉर्मेशन लगभग खत्म हो चुकी है, जहां पर हमने लगभग सारी चीजें देख ली कि स्टेट के सिंबल क्या है, स्टेट का प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर क्या है, स्टेट का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, और स्टेट की हाईएस्ट ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्ट क्या क्या है और किस तरीके से है। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें हमने सारी चीज़ें देखी और सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश भी की है। इसी के साथ दोस्तों हम आगे मिलेंगे आपको MCQ सीरीज में, जो हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड रहेगी, जहाँ पर हम डेली कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे और उसका सॉल्यूशन भी देंगे, जिससे आपको कुछ फैक्चुअल चीज़ें याद भी होगी अलग से। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू दोस्तों।